झूल के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 10 अक्टूबर सन 1912 में हुआ था और 30 मई सन 2000 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ आ गए। वहां लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और फिर वही अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। इसी दौरान इन्होंने पीएचडी भी की। रामविलास जी ने काफी सारी साहित्यिक रचनाएं की, जिनमें से उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, इतिहास दर्शन, चार दिन इत्यादि। रामविलास शर्मा जी को उनकी उच्च कोटि की साहित्य रचना के लिए साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। श्री रामविलास शर्मा जी ने प्रस्तुत पाठ की रचना एक महान उद्देश्य को लेकर की है। इस पाठ में उन्होंने ग्राम्य संस्कृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अपने इस निबंध के माध्यम से वे चाहते हैं कि अपनी जन्मभूमि मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान बना रहे। अपनी इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने धूल की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता का एक अलग ही रूप में बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने धूल के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए नगरीय सभ्यता द्वारा उसकी अवहेलना और ग्रामीण लोगों द्वारा देश की मिट्टी के प्रति श्रद्धा भाव को उजागर किया है। धूल के महत्व को बताने के लिए लेखक ने हमारे राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मातृभूमि कविता से ली गई एक बहुत ही सुंदर पंक्ति द्वारा इस पाठ को प्रारंभ किया है। वो पंक्ति इस प्रकार है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। इस पंक्ति का अर्थ है, मिट्टी में खेलकर बड़ा होने वाला बच्चा एक दिन इस दुनिया के लिए आदर्श बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिट्टी के सार तत्व से ही बच्चे का विकास होता है। धूल में खेलकर ही वो हीरे की तरह चमक उठता है, अर्थात गुणी और मूल्यवान बनता है। बात का बहुत अफसोस है कि आज हमारा युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर धूल से दूर भागने लगा है। उनका मानना है कि भारत गांवों का देश है, आज भी इसकी गरिमा इन गांवों के कारण है। इसलिए लेखक ने धूल में सने बच्चों को हीरे से भी अधिक कीमती बताया है। लेखक कहते हैं कि शहरों के उच्च वर्ग के लोगों ने नकली साज श्रृंगार की कई चीजें ढूंढ निकाली हैं, लेकिन किसी शिशु के मुंह पर लगी धूल के सामने ये आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ भी नहीं। अपने देश की मिट्टी में खेलते हुए बच्चे के सामने वैसे भी सजने संवरने की चीजें फीकी पड़ जाती हैं। बालकृष्ण के मुंह पर लगी वास्तविक गोधूली की तुलना में वे सभी चीजें बेकार जान पड़ती हैं। पुनः अपने देश की मिट्टी के प्रति हमारा लगाव बढ़ाने के लिए लेखक ने अपने इस निबंध में कविता की एक और सुंदर पंक्ति ली है। धन्य धन्य वे है न मैले जो करत गात कनिया लगाए थोड़ी ऐसे ललिकार की, जिसका अर्थ है कि वे लोग धन्य हैं जिन्हें धूल में सने हुए बच्चों को गोद में लेने का अवसर मिलता है। चाहे बच्चों पर लगी धूल से उनके कपड़े मैले ही क्यों ना हो जाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने मैले शब्द का प्रयोग गंदे के लिए किया है, साथ ही लड़िकान शब्द का लड़के के लिए प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ हीरे की तरह साफ सुथरे बच्चे को ही पसंद किया जा रहा है और धूल में सने हुए बच्चे को मैला कहा जा रहा है। लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। नगरीय सभ्यता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इस तरह जो धूल में सने हुए बच्चे को मैला मानते हो, वो यदि अखाड़े में मिट्टी से सने हुए पहलवान के शरीर को देखेगा तो क्या कहेगा, शायद उसका मन उल्टी करने जैसा हो जाएगा। परंतु जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, और यदि रहता है तो ये उसका दुर्भाग्य ही है और क्या।
लेखक कहते हैं कि अखाड़े की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वो मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। धूल के महत्व को बताते हुए लेखक आगे कहते हैं कि जितने भी सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब इस मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सभी एहसासों को मिट्टी ही संभव बनाती है। मिट्टी और धूल के अंतर को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि मिट्टी जीवन का स्थायी आधार है। उसकी सूक्ष्मता उसके रूप, रस, गंध आदि के आनंद में है, जैसे शब्द में अर्थ और स्वर का आनंद, देह में प्राण की चेतना, चांद में चांदी का आनंद, इसी प्रकार धूल मिट्टी का जीवन है। कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी के होने से ही धूल का एहसास होता है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। अपने मन की श्रद्धा, भक्ति और स्नेह आदि के भावों को प्रकट करने के लिए भला धूल से बढ़कर और कौन सा साधन हो सकता है। लेखक धूल की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं कि नीच को धूल समान कहना कोई वेद वाक्य नहीं है। ये धूल तो इतनी पवित्र है कि सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग अपने देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। अपनी इस बात को प्रमाणित करते हुए लेखक अन्य देशों के कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। लेखक उल्लेख करते हैं कि धूल, धूले, धूली, धूरी का प्रयोग अलग अलग विशेष अर्थों में किया जाता है। धूल का अर्थ है जीवन की सच्चाई। जिस प्रकार साहित्य की विवेचना कर उसके सार को समझा जाता है, उसी प्रकार धूल शब्द हमें जीवन के सत्य से परिचित कराता है। धूली शब्द कविता की तरह भावों से भरा है। कई कविताओं में गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा जाता है। धूली जीवन का छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। और धूली शब्द से भारतीय लोक संस्कृति की झलक मिलती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति की झलक गांवों में ही दिखती है, और धूल अथवा गोधूली भी गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों में नहीं मिलती। इन सब का रूप भिन्न जरूर है, लेकिन इन सब का रंग एक ही है। मिट्टी काली, पीली, लाल, तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही हमें शरद के धूले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। देश प्रेम की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारी देशभक्ति इतनी तो होनी ही चाहिए कि यदि हम धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे जो गांवों में विद्यमान है। शहरों के लोग इस धूल को माथे से न भी लगाए तो कम से कम उसकी वास्तविकता से तो परिचित हों कि यही वो मिट्टी है जिसमें हमारे किसान अनाज उगाते हैं, हमारे पशु रहते हैं, और इस सब की मदद से ही हमारा पालन पोषण होता है। पूरे देश को आहार इन गांवों से ही प्राप्त होता है। अपनी बात को और समझाने के लिए लेखक ने उल्लेख किया है कि हीरा वही घन चोट न टूटे, जिसका अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे और अपने अटूट होने का प्रमाण दे। इसी तरह हमारे ग्रामीण लोग भी हीरे की तरह मजबूत और सुदृढ़ है। अतः हमें अपने ग्रामों, ग्रामवासियों का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारी पहचान बनी रहे, हमारा गौरव बना रहे। हम चमचमाते कांच से आकर्षित होकर धूल में पड़े असली हीरे को भूल रहे हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि कांच कांच रहेगा और हीरा हीरा ही रहेगा, भले ही वो धूल से सना क्यों ना हो। धूल पाठ में रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, उपलब्धता और उसकी उपयोगिता के बारे में काफी विस्तार से बताया है।
लेखक ने पाठ धूल में धूल का महत्व स्पष्ट किया है कि मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है, परंतु आज का नगरीय जीवन इससे दूर रहना चाहता है, जबकि ग्रामीण सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य ये धूल ही है। इस कहानी में लेखक रामविलास शर्मा जी ने उबकाई, मट्ठा, सिझाई और अमराई जैसे कुछ देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही समय समय पर कुछ मुहावरों का भी उपयोग किया है, जैसे आंखों में चकाचौंध, जिसका अर्थ होता है आंखों में तेज रोशनी पड़ना। पाठ में लोकोक्तियों को भी स्थान दिया गया है, जैसे हीरा वही घन चोटन टूटे, जिसका अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे। लेखक रामविलास शर्मा जी ने इस पाठ में विभिन्न कविताओं की पंक्तियों को शामिल किया है, जैसे पहली पंक्ति एक कविता की पंक्ति है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मातृभूमि कविता से ली गई है। ऐसी ही एक और कविता की पंक्ति इस पाठ में ली गई है कि धन्य धन्य वे है नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। अब जब आप पाठ धूल को अच्छी तरह समझ चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। जो बचपन में धूल से खेला है, वो जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सन्ने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। ये साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वो मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। लेखक ने अखाड़े की मिट्टी में लेटने और उसे शरीर पर मलने के सुख को संसार में दुर्लभ माना है। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे से सिझाई हुई होती है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। सिझाई हुई का क्या अर्थ है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे से सिझाई हुई यानी पकाई हुई थी। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां धूल का स्पर्श किया था। दिए गए इस अंश का मूल भाव क्या है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। इस अंश का मूल भाव है कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि धूल भावों को प्रकट करने का साधन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। यूक्रेन के मुक्त होने पर लाल सैनिक ने क्या किया था? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें।